परमाणु की कमाई में आया जबरदस्त उछाल, जाने छठे दिन का कलेक्शन। जॉन अब्राहम और डायना पेंटी स्टार फिल्म परमाणु बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन कर रही है। क्रिटिक्स ने फिल्म की बहुत तारीफ की और 4 स्टार तक दिए हैं। परमाणु उन नायकों के बारे में है जो कभी लाइमलाइट में नहीं आते। फिल्म में जॉन अब्राहम, डायना पेंटी और बाकी के सारे कलाकारों ने उम्दा परफॉर्मेंस दिया है। यही परफॉर्मेंस लगातार बढ़ रहे कलेक्शन का सबूत है कि लोग इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं। परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 32.17 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म की कहानी काफी दमदार है। परमाणु ने पहले दिन 4 करोड़ रुपए की कमाई की थी। दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में 58.51% की बढ़त देखने को मिली और रिलीज के दूसरे दिन फिल्म ने 7.64 की कमाई कर डाली। रविवार को फिल्म ने 8.32 करोड़ और सोमवार को 4.10 करोड़ की कमाई की। मंगलवार को फिल्म ने 3.81 की कमाई की। बुधवार को 3.48 करोड़ का कलेक्शन किया। कुल मिलाकर फिल्म ने अब तक 32.17 करोड़ की कमाई की है। इस बात की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदाश ने ट्वीट करके दी। कमाई का आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद है। फिल्म में जॉन के अलावा डायना पेंटी भी लीड रोल में है। फिल्म को माउथ पब्लिसिटी का फायदा मिल सकता है। फिल्म भारत में 1935 स्क्रीन पर रिलीज की गई है, वहीं देश के बाहर 270 स्क्रीन मिली है। परमाणु को टोटल 2205 स्क्रीन मिली है। हाल फिलहाल में कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं है, इसका भी फायदा परमाणु को मिलेगा। फिल्म लगभग 35 करोड़ के बजट से तैयार हुई है, इसीलिए फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 70 करोड़ की कमाई करनी होगी।